दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2007 में आई एक रोमांस कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम लॉरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लॉरेंजो यहाँ किसी तरह से जर्बिनो से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमियों से लॉरेंजो को कैसे भी करके उसे पकड़ने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि लॉरेंजो अपने दोस्त के पास आता है। लॉरेंजो के दोस्त इसे शहर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, ताकि जर्बिनो के आदमी इसे ढूंढ ना पाए। लॉरेंजो भी अपने दोस्त की बात मानता है और ये घोड़े पर बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रो रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पेम्पिनिया के माता पिता प्लेग बीमारी की वजह से मर गए थे। पेम्पिनिया यहाँ पर रो ही रही थी कि तभी यहाँ पर जर्बिनो आता है। जर्बिनो यहाँ पेम्पिनिया से कहता है कि अब ये अकेली है, तो अब ये क्या करेगी, क्योंकि इसके माता पिता अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पेम्पिनिया जर्बिनो से कहती है कि कुछ दिनों में रशिया का राजा जर्जेस्की यहाँ पर आने वाला है और ये उससे ही अपनी शादी करेगी। ये कहकर पेम्पिनिया यहाँ से जाने लगती है कि तभी जर्बिनो इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे ढेर सारे पैसे लिए थे, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत मेरी हो गई है। जर्बिनो पेम्पिनिया से कहता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास में रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम जर्बिनो के आदमी जब यहाँ से आगे चले जाते हैं, तब लॉरेंजो पेड़ से उतर रहा था कि तभी पेड़ की डाली टूटने की वजह से लॉरेंजो जमीन पर गिर जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि कुछ नन लॉरेंजो के पास आती हैं, जो इसे उठाकर चर्च में लेकर आती हैं। चर्च में दो नन लॉरेंजो को बेहोश देखकर इसे अजीब तरीके से छूने लगती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लॉरेंजो को अब होश आ गया था, लेकिन ये जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है। एक नन लॉरेंजो को किस करने जा रही थी कि तभी इनकी हेड यहाँ पर आती है। अपने सीनियर को देखकर ये दोनों लॉरेंजो से दूर हो जाती है। ये दोनों अपने सीनियर को बताती है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा है। इनकी बात सुनकर सीनियर नन काफी खुश होती है, क्योंकि इन्हें एक गूंगा बहरा ही आदमी चाहिए होता है ताकि वो यहाँ चर्च का काम कर सके। सीनियर लॉरेंजो को यहाँ काम पर रख लेती है। इसके बाद हम लॉरेंजो को देखते हैं, जो कि नहा रहा था कि तभी दो नन इसके पास आती है। ये दोनों लॉरेंजो के साथ यहाँ नहाने लगते हैं। लॉरेंजो भी यहाँ गूंगा बहरा बनने का पूरा फायदा उठाता है और ये इन दोनों के साथ यहाँ पर खपा खपी करता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं, जो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये एक चर्च में आती है, और ये वही चर्च होता है जिसमें लॉरेंजो गूंगा बहरा बनकर काम कर रहा था। दो नन जब पेम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी, तब पेम्पिनिया यहाँ लॉरेंजो को देखती है। पेम्पिनिया इनसे लॉरेंजो के बारे में पूछती है, तब ये नन इसे बताती है कि वो यहाँ का माली है जो चर्च की देखभाल करता है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो एक गूंगा बहरा है, जिसकी वजह से वो सुन और बोल नहीं सकता। कुछ समय बाद लॉरेंजो को एक नन बुलाती है, इसलिए लॉरेंजो उस नन के साथ झाड़ियों में जाता है। लॉरेंजो उस नन के साथ झाड़ियों में खपाखप करने लगता है। लॉरेंजो खपाखप कर ही रहा था कि तभी पेम्पिनिया यहाँ पर आ जाती है, जो ये सब देख लेती है। ये देख पेम्पिनिया को काफी जलन महसूस होती है, क्योंकि ये खुद लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रशिया के राजा जर्जेस्की को देखते हैं, जो कि पेम्पिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन जर्बिनो जर्जेस्की से कहता है कि पेम्पिनिया ने भागकर अपनी शादी कर ली है। ये सुनकर जर्जेस्की को काफी बुरा लगता है और ये यहाँ से अपने शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक आदमी जर्जेस्की को रोकता है और कहता है कि पेम्पिनिया कई दिनों से इसका दूसरे शहर में इंतजार कर रही है। ये सुनकर जर्जेस्की अपने आदमियों के साथ उस शहर में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम लॉरेंजो को देखते हैं, जिसके पास दो नन खाना लेकर आती हैं, क्योंकि अब इन्हें भी पता चल गया था कि लॉरेंजो सभी नन के साथ में खपाखप कर रहा था, इसलिए ये दोनों भी लॉरेंजो के साथ खपाखप करना चाहती थी। लॉरेंजो भी इनकी बात खुशी खुशी से मान लेता है और ये इनके साथ यहीं पर खपाखप करता है। इसके बाद हम
टेम्पेनिया को देखते हैं, जो लोरेंजो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि इसे अब लोरेंजो से प्यार जो हो गया था। एक दिन टेम्पेनिया लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है और ये जान जाती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन टेम्पेनिया अकेले लोरेंजो के पास आती है। टेम्पेनिया यहाँ लोरेंजो के पास आकर उसकी आँखों पर पट्टी बांध देती है। पट्टी बांध कर टेम्पेनिया यहाँ अपना नकाब उठाकर कहती है कि ये इससे प्यार करती है और इसकी वजह से ये इसके साथ शादी भी करना चाहती है। टेम्पेनिया यहाँ लोरेंजो को एक किस करके चली जाती है। ये किस लोरेंजो को काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी आँखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो देख नहीं पाता कि ये लड़की आखिर थी कौन। अगले दिन टेम्पेनिया अपनी सीनियर को बता देती है कि इनके यहाँ जो मालिक काम कर रहा है वो गूंगा बहरा नहीं, बल्कि वो सुन और बोल सकता है। दरअसल टेम्पेनिया यहाँ सीनियर को सच इसलिए बताती है ताकि लोरेंजो अब किसी के साथ घपाघप ना करे। इस बात से सीनियर लोरेंजो के ऊपर काफी गुस्सा होती है, इसलिए ये लोरेंजो को लात मारकर चर्च से बाहर निकाल देती है। हम देखते हैं कि पेंपहर्ड पर लेकर आती है। इसके बाद हम जर्जेस्की को देखते हैं, जो कि टेम्पेनिया को ढूंढ रहा था। जर्जेस्की यहाँ एक लड़की को देखता है। ये लड़की जर्जेस्की को देखते ही उसके ऊपर लट्टू होने लगती है। जर्जेस्की इससे पूछता है कि क्या तुम टेम्पेनिया को जानती हो, तो ये लड़की यहाँ झूठ बोलती है और कहती है कि यही तो है टेम्पेनिया। ये सुनकर जर्जेस्की इससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरी शादी तुम्हारे साथ में तय की थी, इसलिए मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। दरअसल जर्जेस्की ने टेम्पेनिया को पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए ये इस लड़की को ही टेम्पेनिया मान लेता है। दूसरी तरफ हम असली वाली टेम्पेनिया को देखते हैं, जो लोरेंजो को लेकर अपने घर पहुंच गई थी। बातों ही बातों में लोरेंजो टेम्पेनिया से कहता है कि ये जिस चर्च में काम करता था, इसे वहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उस लड़की ने इसकी आँखों पर पट्टी बांधकर इसे किस किया था, इसलिए ये उसका चेहरा नहीं देख पाया। टेम्पेनिया समझ जाती है कि लोरेंजो इससे सच में प्यार करता है। टेम्पेनिया लोरेंजो को बताने जा रही थी कि यही वो लड़की है जिसने इसे उस दिन किस किया था। टेम्पेनिया यहाँ पर कुछ बताती कि उससे पहले ही यहाँ पर जर्बिनो आ जाता है। जर्बिनो जब यहाँ लोरेंजो को देखता है, तब ये इस पर काफी गुस्सा होता है। जर्बिनो यहाँ लोरेंजो के साथ लड़ने लगता है। जर्बिनो लोरेंजो को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर टेम्पेनिया आती है और ये जर्बिनो से कहती है कि अगर इसने लोरेंजो को मारा तो ये इससे कभी भी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता और ये लोरेंजो को पकड़कर इसे कैद खाने में डाल देता है। अगले दिन टेम्पेनिया जर्बिनो से कहती है कि कल ये इससे शादी करेगी, इसलिए ये चाहती है कि जर्बिनो लोरेंजो को कैद खाने से आजाद कर दे। जर्बिनो पहले तो टेम्पेनिया की बात नहीं मानता, लेकिन टेम्पेनिया इससे कहती है कि जब तक ये लोरेंजो को आजाद नहीं करेगा, तब तक ये इससे शादी नहीं करेगी। अब ना जाकर भी जर्बिनो लोरेंजो को छोड़ देता है। कैद से छूटने के बाद लोरेंजो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये आज जर्बिनो से जिंदा बचा है तो सिर्फ टेम्पेनिया की वजह से, क्योंकि अगर टेम्पेनिया नहीं होती तो जर्बिनो इसे मार डालता। लोरेंजो कैद से छूटने के बाद वापस से टेम्पेनिया के पास आता है। ये देखता है कि जर्बिनो टेम्पेनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जर्जेस्की भी आ जाता है, जिसके पास गन होती है। गन देखकर जर्बिनो इससे डर कर भागने लगता है। अब लोरेंजो भी यहाँ पर आ चुका था, इसलिए ये जर्बिनो के आदमियों से लड़ने लगता है। जर्जेस्की और लोरेंजो जर्बिनो के कई सारे आदमियों को मार देते हैं। आखिरी में जर्जेस्की जर्बिनो से लड़ता है और ये इसे भी मार देता है। अब टेम्पेनिया यहाँ पर आती है, जो जर्जेस्की से कहती है कि वो इससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोरेंजो से प्यार करती है। जर्जेस्की जब टेम्पेनिया का चेहरा देखता है, तब वो कहता है कि तुम टेम्पेनिया नहीं हो, क्योंकि मैंने उसे देखा है। तभी यहाँ पर वो दूसरी लड़की आती है, जो जर्जेस्की को झील पर मिली थी। ये लड़की टेम्पेनिया की फ्रेंड मालिशा होती है। मालिशा को देखकर जर्जेस्की कहता है कि मैं तो इससे ही शादी करूँगा। हम देखते हैं टेम्पेनिया लोरेंजो के पास आती है और इसे अपने साथ शादी के लिए कहती है, लेकिन लोरेंजो कहता है ये इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी और
और से प्यार करता है। ये सुनकर पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, तुम उसी से शादी करना, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर एक बार किस करके जाओ। लोरेंजो यहाँ ना चाहकर भी पेम्पिनिया को किस करता है। पेम्पिनिया को किस करने की वजह से लोरेंजो को पता चल जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने इसे चर्च में इसकी आँखों पर पट्टी बांधकर इसके साथ में किस किया था। ये जानकर लोरेंजो काफी खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।